देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन सामाजिक और धार्मिक नीति। देखिए, सबसे पहले समाज की बात करें। मुगलों के आने से पहले भारत में इस्लामीकरण हो चुका था और इस्लामिक प्रभाव सब जगह दिख रहे थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। अगर हम शुरुआत देखें कि समाज की उस समय परिस्थितियां कैसी थी, तो समाज 2 वर्गों में बटा था। हमेशा से यह बटा ही रहता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग में मैक्सिमम एक तो मुस्लिम शासक थे और राजपूत राजा, और गरीब वर्गों में किसान, मजदूर। अगर हम गरीबी की आकलन को देखें तो तुजुक ए बाबरी में बाबर लिखता है कि भारत में ऐसे लोग थे जिनके पास वस्त्र नहीं था। अबुल फजल के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी लोग थे वो कमर के नीचे मैक्सिमम पुरुष लंगोट केवल पहन के रहते थे, क्योंकि था ही नहीं कुछ, तो गरीबी का आलम सबसे अधिक था। समाज में जो अमीर वर्ग थे वो लोगों में अपने हरम में स्त्रियों को रखा जाता था, और मुगल हरम में 5,000 से भी अधिक स्त्रियां थीं। अकबर द्वारा हरम दल की मुक्ति करने के बाद ये यहां तक कि हिंदू राजा मानसिंह जो थे, मानसिंह के हरम में 1500 स्त्रियां थीं, यानी कोई अछूता नहीं था। सामाजिक प्रकरण अलग अलग समय पर अलग अलग रहा। अगर हम देखें तो बाबर और हुमायूं के पीरियड में जैसे पहले से चला आ रहा था समाज, उसी को दोहराया गया। यानी प्राचीन जो मुस्लिम समाज थे, यानी दिल्ली सल्तनत में जिस तरह से रखा गया वही रखा। बदलाव अकबर के काल में हुआ। अकबर द्वारा कई सुधार नीतियां लाई गई, जिससे सबसे बड़ा था कि गैर मुस्लिमों से ली जाने वाली जजिया को अकबर ने समाप्त किया। हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर इससे बहुत राहत मिला। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, ये दोनों कर हिंदुओं पर भारी भारी पड़ते थे। इसके बाद समाज सुधारक में दास प्रथा, दहेज प्रथा, और अकबर ने विधवा पुनर्विवाह पर पुनर्विवाह रीमैरिज इस पर जोर दिया गया। अकबर ने सती प्रथा को अंत तो नहीं किया, लेकिन प्रयास किया कि सती प्रथा समाप्त हो। तो इस तरीके से सामाजिक सुधार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अकबर रखा। अकबर के जीवन में उसके हिंदू जो बड़े बड़े पदों पर नहीं होते थे, जैसे मानसिंह और भी टोडरमल जैसे हिंदू राजा, वहां पे अधिकारी बनते थे। तानसेन, बिरबल, ये सारे हिंदू राजाओं को दरबार में स्थान दिया गया।
इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा समाज में, अच्छा मैसेज गया। और यही कारण है कि अकबर को प्रशासन में बहुत ज्यादा फायदा भी मिला। लेकिन समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों की दशा, इसकी चर्चा हम करेंगे। स्त्रियों में आपको बता दें कि अकबर ने यह परंपरा शुरू की कि हिंदू राजपूत स्त्रियों से विवाह किया और उससे उत्पन्न पुत्र जहांगीर को शासक बनाया। पहले इससे पहले क्या होता था कि हिंदू राजकुमारियों से विवाह न करके हरम में रखा जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो यहां से वैल्यू चालू किया और हिंदू रानियां अपने हिसाब से रहती थी। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी मानबाई, इसने जहांगीर को अधिक शराब पीने से छुड़ाने के लिए आत्महत्या कर ली। हम अभी चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत में रजिया बेगम जैसे महत्वपूर्ण थी, वैसे कुछ महिलाएं जो मुगल काल में महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुगल काल में कुछ महिलाएं अपने पूरे चरित्र को छाप छोड़ के गई हैं, जिनमें सबसे पहले आती है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम फारसी की बहुत बड़ी विदुषी थी। यह हुमायूं की एक तरह से पत्नी भी थी और कथित रूप से बहन भी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बायोग्राफी था हुमायूं नामा। ये काफी ऐतिहासिक पुस्तक है और हुमायूं के जीवन के बारे में बताता है। दूसरी महत्वपूर्ण महिला है महम अनगा। ये अकबर की धाय माँ थी। धाय माँ दाय को कहते हैं जो पालन पोषण किया था। इन्होंने बैरम खां के बर्खास्त होने के बाद 2 सालों तक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की पद पर रहे। प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इनके शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। बाद में इनके बेटा के गुस्ताखी के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है नूरजहां। वास्तव में यह मेहरुनिसा की, मेहरुनिसा, ये नूरजहां जहांगीर से विवाह करती हैं और इन्हें नूरे महल और नूरे जहां 1616 से लेकर 1627 तक पूरा शासन नूरजहां के हाथों में था। महत्वाकांक्षी महिला थी और ये हिंदू रानियों की तरह साथ में बैठती थी और इनका मुहर भी चलता था और बहुत ताकतवर महिला के रूप में। मुमताज महल यानी इनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यह शाहजहां की पत्नी थी। 14वीं संतान के जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई प्रसव पीड़ा के कारण। इनके याद में 1530 में इसकी मृत्यु हुई, 1630 में, और 1630 से 51 यानी कि 31 से 51 20 वर्षों तक इनके याद में ताजमहल बनवाया गया। मैंने मरने के बाद उनके प्रेम स्मृति के रूप में। जहां आरा
ये शाहजहां की सबसे बड़ी बहन थी और जहां आरा ने जब मुमताज की मृत्यु हो गई तो अपने पिता को संभाला। शाह इनके भाई औरंगजेब ने इन्हें प्रथम महिला के उपाधि दी और इनको बहुत सम्मान दिया था। जेबुनिशा यह औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। अकबर सेकेंड जब रिवोल्ट किया तो औरंगजेब उसे मारने के लिए दक्षिण चला गया और जहां विजय अभियान किया, जब तक उसे मार नहीं लिया तब तक चैन नहीं रहा। और जेबुनिशा ने इस अकबर की सहायता दी, इसलिए जेबुनिशा को अपने साम्राज्य से बाहर भगा दिया। असमत बेगम नूर जहां की मां थी। शाही दरबार में रानियों के नहाने का व्यवस्था करती थी और इसे इत्र का आविष्कारक माना जाता है, यानी गुलाब जल जो आप यूज करते हैं उसके फाउंडर जो है वह असमत बेगम है, गुलाब के इत्र। तो ये महिलाएं हैं जो मुगल काल में काफी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। मुसलमानों का धार्मिक नीति अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत और मुगल में काफी अंतर देखने को मिलता है। सहिष्णुता अकबर के काल से शुरू हुआ। अगर हम धार्मिक नीति की बात करें तो बाबर जब भारत पे आक्रमण किया था तो उसने जिहाद का नारा दिया, यानी यह होता है धर्म युद्ध, इस्लाम खतरे में है और इस्लाम को बचाओ। बाबर धर्म युद्ध के बाद गैर मुसलमानों के प्रति जजिया भी लगाया। वह एक इस्लाम में सिलसिला चलता है, सिलसिला सूफी विचारधाराओं का एक स्वरूप है जिसमें बेसरा और बासरा पर डिपेंड करता है। हम इसका एक क्लास दे देंगे आपको। बेसरा का मतलब होता है कि बिना इस्लाम को लेकर, और बासरा का मतलब होता है इस्लाम के साथ। तो इस पर आधारित लगभग भारत में 14 सिलसिले आए, जिसमें पहला सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती सिलसिला आया, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। लेकिन यहां पर नक्शबंदी सिलसिला से ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का ये बाबर शिष्य था और इसने यहां पर जजिया यानी गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। आपको पहले भी बता दें कि बाबरी मस्जिद, जो कि विवाद अभी तक भारत में एक प्रश्न है, हालांकि राम मंदिर बन गए। हुमायूं सतारी सिलसिले के था या मोहम्मद गौस का शिष्य था। हालांकि हुमायूं हिंदू धर्म के कुछ रूल्स को भी मानता था, जैसे ज्योतिष। तो इसका विचारधारा था कि ज्योतिष के आधार पर वह कपड़े भी पहनता था सोमवार मंगलवार। तो इसका सोच थोड़ा सा अलग था लेकिन इस्लामिक था, कट्टर से युक्त था। यह भी जजिया को प्रमोट किया। बदलाव तब आया जब अकबर आए और अकबर चिश्ती सिलसिले के शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती को रखा।
आपको यह भी जानकारी है कि शेख सलीम के नाम पे ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और उसे प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। अकबर धर्म को समझने में अब तक के जितने शासक हैं उनमें अकबर सबसे बड़ा काम किया। अगर हम बात करें तो इसने सामाजिक सुधार में 1562 में दास प्रथा को अंत किया। 1563 में इसने जजिया समाप्त किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया समाप्त किया। तो ये समाप्त करने से उस यह नहीं दिखाता, उदारता तो अलग बात थी, वो धर्म को समझना चाहता था। और फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना में शुरू में इस्लाम पर चर्चा होती थी, फिर इस्लाम के साथ साथ अलग अलग धर्मों के गुरु बुलाए जाने लगे, इसमें हिंदू, हिंदू के अलावा सिख, सिख कम थे, बौद्ध, जैन, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी, और यहां तक कि नास्तिकों को जो कि ईश्वर को नहीं मानते थे इनको भी उस जगह जगह दिया। लेकिन 1679 मजहर की घोषणा की, क्योंकि क्या होता था कि धर्म के जब बात आते थे तो बादशाह को भी साइड कर देते थे ये लोग, और अंतिम रूप से जो धार्मिक गुरु होते थे जो काजी मौलवी वो लोग जो कहते थे वही सही माना जाता था। लेकिन मजहर घोषणा के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था और बदलाव था। मजहर घोषणा के बाद उसने कहा कि अंतिम जो डिसीजन होगा, अंतिम निर्णय यह बादशाह का होगा, और ये पूरा इस्लामिक सिस्टम को बदल दिया। फिर 1580 ईस्वी में इसने एक नए धर्म दीन ए इलाही की घोषणा की, और इसकी शिक्षा रविवार इतवार को दी जाती थी। अब जाहिर से कि इतवार को शिक्षा देने के क्रम में छुट्टी और कुछ धन दिए जाते थे। कोई भी अमीर वर्ग इसमें शामिल नहीं हुआ, चाहे इस्लाम का हो चाहे हिंदू का हो, केवल गरीब इसमें आए। एकमात्र बीरबल जो था उसने इस धर्म को अपनाया, हो सकता है उनके प्रति बीरबल द्वारा दीन इलाही अपनाई गई। अकबर की धार्मिक नीति कहीं ना कहीं राजनैतिक स्वरूप को दर्शाता है, और उसने लोगों को अपने अंदर करने के लिए, अपने शिष्य बनाने के लिए यह व्यवस्था अपनाई। जहांगीर जब शासक बना तो अपने पिता के अनुरूप उसने सारे नियम को माना, जजिया लागू नहीं किया, ये दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, ये सारे वैसे ही छूट कर दिए। यहां तक कि उसने इतवार जो कि अकबर के जन्मदिन था और बृहस्पतिवार, ये दोनों दिन मांस वर्जित कर दिया। ये बड़ी चीज था जहांगीर द्वारा। हालांकि शाहजहां के जब काल आया तो शाहजहां जजिया लागू करना चाहता था,
कुछ कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे में कहीं कहीं कि जो अमीर वर्ग हैं उन्हें इस्लाम कबूल करने पर कुछ, कबूल करवाने पर कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब के काल में सवई राजा जयसिंह जब आए थे तो उनके जो सेनापति थे शिवाजी के, जिनका नाम था नेताजी, तो नेताजी को जब कैद करके ले गया तो वो इस्लाम कबूल किए तो उन्हें 3500 रुपए और कुछ जागीरें दी। तो इस प्रकार की घटनाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मुसलमान सुन्नी थे, सारे के सारे सुन्नी, कट्टर कट्टर सुन्नी थे। लेकिन कट्टरता में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कट्टर जो था वह था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में एक और कहानी बताते हैं। जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा था एक बार औरंगजेब, बल्ख अभियान के समय, कहा जाता है कि बल्ख अभियान जब चल रहा था उस समय औरंगजेब, अचानक नमाज का समय हुआ और युद्ध चल रहा है, वो नीचे अपना बिछाता है और नमाज पढ़ने लगता है। यानी इतनी कट्टरता इसमें थी। इसने हिंदू राजाओं से लिया गया या गैर इस्लामिक प्रथा को समाप्त कर दिया, जैसे नौरोज जो बलबन द्वारा दिया गया, झरोखा दर्शन, ये हिंदू राजा थे जो देते थे, जिसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां सारे लोग लिए थे और बदले में इन्हें सिक्का मिलता था, मुंह देखने के लिए गिफ्ट मिलता था। तुलादान, राजा के जन्मदिन पर सोने चांदी से लोग गिफ्ट से तौलते थे। ये जजिया भी लागू किया था शुरू में, लेकिन बाद में बंद कर दिया अमीरों के कारण, क्योंकि औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा मराठे अमीर थे, इस कारण से उसको बंद करना पड़ा। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज जो औरंगजेब ने किया कि कलमा खुदवाना। कलमा अंग्रेज औरंगजेब के सिक्कों के ऊपर चारों तरफ अल्लाहु अकबर या जो कुरान के कुछ आयतें लिखे जाते थे उसे कलमा कहा जाता था। उसने कहा कि यह जो सिक्के हैं वो गैर मुस्लिमों के हाथ में पड़ते हैं और इस कारण से इस कलमा को लिखवाना बंद कर दिया। और उसने एक और बहुत बड़ी काम की, 1680 के बाद उसने दारुल इस्लाम, नन इस्लाम का देश बनाने पर तत्पर हो गया और इसके लिए पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिसमें मथुरा, काशी बहुत बड़े मंदिर हैं, और नए मंदिरों पर रोक। देखिए, जहांगीर पहला शासक है जिसने कई वर्षों बाद राखी पर्व को मनाया, नागा हिंदुओं को माना, लेकिन औरंगजेब के काल में तिलक करना गुनाह था, किसी भी प्रकार के उत्सव मनाना गुनाह था। और इस प्रकार की कट्टरता के कारण यही है कि मुस्लिम शासन इतने मजबूत थे, इतना मजबूत ये मुगल को धाराशाही होने में समय नहीं लगा। और धार्मिक नीति एक बहुत बड़ी कारण है, इसका बड़ा कारण है इसको ध्वस्त करने में। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृति।